हम लेके आ रहे हैं जल्द आपके बीच यूपी का दंगल विधानसभा चुनाव 2022 यूपी का दंगल। काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाकों से पूरी दुनिया कांप उठी है। माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लगभग 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर फिर से आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर जो त्रासदी हुई है उसे होने नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा हमला कभी नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के परिवारों के प्रति शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मैं शानदार सर्विस मेंबर्स के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमारी संवेदनाएं उन निर्दोष नागरिकों के परिवारों के साथ भी हैं जो काबुल हमले में मारे गए। इस त्रासदी को कभी नहीं होने देना चाहिए था। ये हमारे दुख को और गहरा बनाता है। अगर मैं आपका राष्ट्रपति होता तो ये हमला कभी नहीं होता। भगवान अमेरिका का भला करे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिनों से जो बाइडन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने सुझाव दिया था कि अफगानिस्तान से पहले अमेरिकी नागरिकों को निकालना चाहिए था, उसके बाद सभी उपकरणों को वापस लेना चाहिए था। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने से पहले अमेरिका को उन ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए थी जो अफगानिस्तान में अमेरिका के बेस का काम करते थे, और उसी के बाद मिलिट्री को वहां से वापस बुलाना चाहिए था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि बाइडन ने सारा काम इससे उलट क्रम में किया है, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। इन सब के बीच काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी बेहद गुस्से में है। अब काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताया है और कहा है कि इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। बाइडन ने कहा कि हम ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे और उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down. Make you pay. आपको बता दें कि धमाके से महज कुछ घंटे पहले ही अमेरिका समेत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जानकारी होने के बावजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका। वैसे बता दें कि रोजाना बंदूक पकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला तालिबान भी मिली इस खुफिया जानकारी पर चुपचाप बैठा रहा। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान की शाखा यानी आईएसआईएस खुरासान ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट ने अपने दावों में कहा है कि उसने अमेरिकी सैनिकों और उनके अफगान सहयोगियों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा और संचालन फिलहाल अमेरिका के हाथों में है। अमेरिका ने वहां लगभग 5,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य बलों के अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में हुई अमेरिका की गलतियों के चलते जो बाइडन के खिलाफ न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि कई अन्य नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिन बतौर राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं।